नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अभी हम मौजूद हैं पाली हेफा हीरो सर्किल के ऊपर। आप देख सकते हैं हम हाईवे के ऊपर अभी मौजूद हैं और यहां पर एक जयपुर का ट्रेवल है जो हमारे से रूबरू हुआ है। ये मुहाना मंडी स्थित राइस टूर एंड ट्रेवल की एक गाड़ी है जो एक टूर लेकर माउंट आबू की ओर गई थी और वापस जयपुर की तरफ लौट रही थी, लेकिन इनके साथ पाली चौराहे के ऊपर एक कुछ मिसबिहेव वालों का टूर एंड ट्रेवल के साथ कुछ बात हुई है किसी बात को लेकर, तो टूर एंड ट्रेवल वाले ने इनके साथ बड़ा 4 घंटे से परेशान इनको कर दिया है। हम जानेंगे यहाँ के जो टूर लेकर गए थे उनके बारे में। सर आप बताइए, आप कब गए थे, क्या मामला है पूरा? हम लोग 15 तारीख को यहाँ से लगभग 10 जनों के साथ हम लोग यहाँ से निकले टूर और ट्रेवल तो ये गाड़ी करके माउंट आबू। हम वहाँ 15 को रात में पहुँचे, 16 तारीख को हमने वहाँ दो जगह पे घूमा। एक शिखर है वो, और फिर एक नेकी लेक, ये दो जगह हमने वहाँ माउंट आबू में। माउंट आबू में। उसके बाद जो है हमारी टूर को टोटल 5 दिन की थी, लेकिन हमने 5 दिन नहीं 2 दिन में हमने घूमा और तीसरे ही दिन हम वहाँ से रवाना हो गए। ठीक है। और जब हम यहाँ पाली पे आए तो यहाँ पे गाड़ी बीच में रुक गई और टूर ट्रेवल के एजेंसी वाले जो हेड हैं उनसे मेरी बात हुई, तो फिर उन्होंने कितने में गाड़ी करी थी आपने? ये गाड़ी हमारी हुई थी लगभग जो है 33,000 के आसपास। अच्छा, कितना अमाउंट आपने अभी पे कर दिया है इनको? मतलब अभी जयपुर यहाँ से पाली से अगर देखा जाए, आप माउंट आबू से वापस जयपुर की ओर जा रहे हैं, पाली से जयपुर 350 के समथिंग पड़ता है। हाँ। तो मतलब 33,000 में से कितना पेमेंट आपने इसको कर दिया है अभी? हाँ। कितना पेमेंट किया है उसमें से? अभी हमने 20,500 रुपये पेमेंट कर। अच्छा, पहले से आपने 50% से ज्यादा पेमेंट उनको पे कर चुके हैं। बिल्कुल। आपका समथिंग यानी कि 20,500 दे दिए तो 12,500 रुपये बचते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहना है उनका टूर एंड ट्रेवल, किस कारण से उसने गाड़ी बंद करी है यहाँ पर आपकी? उनका ये कहना है कि आप अभी से अभी सारा पेमेंट कर दो, और वो जो है सारा पेमेंट एडवांस में अभी मांग रहे, जबकि अभी हम लोग जयपुर। तो एडवांस तो सर एक चीज मुझे मालूम करनी है कि एडवांस तो पेमेंट होता नहीं है, 50% पेमेंट जब जाते हैं और 50% जब अराइवल घर पहुंच जाते हैं उसके बाद ही देना होता है, तो ये एडवांस में कैसे? मतलब 350 रह गया और वो कह रहे पहले पेमेंट कर दो। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा पैसा वो कैसे। पहले क्या बात करी नहीं हुई थी क्या आपकी उनके, टेपाई नहीं करी थी क्या आपने सारी उनसे? नहीं, वो उन्होंने उस समय तो पेट्रोल के बहाने डीजल के लिए, और इस तरह से हमने लगभग 20,500 रुपये उनको कर दिए हैं, और बाकी जो बच रहा है तो वो हम जयपुर पहुँच कर करने वाले हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि नहीं अभी मुझे दे दो। तो कितने कितने टाइम से आप यहाँ इस हाईवे के ऊपर इस गर्मी के अंदर यहाँ खड़े हैं, कितने टाइम कितने देर से होगा आप खड़े हुए? आप लोग जो है 3.5-4 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं देखा है कि आपके साथ आपकी फैमिली भी यहाँ मौजूद है, बच्चे भी हैं। बच्चे हैं। तो 4 घंटे से मतलब आप लोग यहाँ गर्मी के अंदर परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल गर्मी में। तो आपको कैसे पता लगा कि गाड़ी टूर एंड ट्रेवल ने वहाँ से बंद करी है, कैसे कह सकते हैं आप? अचानक यहाँ पे लगी हुई थी जी, आधे घंटे के बाद हम लोग यहाँ रेस्ट पे करने उतरे थे जी, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमने पूछा भाई क्या हो गया बात जी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है जी। फिर ये बोल रहे हैं कि पता नहीं गाड़ी खराब हो गई। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ड्राइवर बोल रहे हैं कि गाड़ी खराब हो गई जी। तो अभी तो गाड़ी चल के आई थी, फिर अचानक कैसे खराब हो गई? अच्छा, माउंट आबू से जब पाली पहुंचे हो तो 200 किलोमीटर का सफर है, और उसमें कोई प्रॉब्लम हुई आपकी गाड़ी की? जयपुर से माउंट आबू गए तो कोई प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पर आके गाड़ी बंद हो गई? गाड़ी रुकी हुई है जी, हम लोग रेस्ट करने फ्रेश व्रेश थोड़ा सा नीचे जी जी, उसके बाद अचानक बात हो रही कि गाड़ी खराब हो गई जी। तो फिर वो बोल रहे ऑनर जो है ट्रेवल के, जी वो कंप्लेन किए हैं जयपुर से जी, और वो आ रहा है कंपनी से, लेकिन जब हमने यहाँ के कंपनी में पाली में बात किया सर्विस सेंटर में जी, जी जी जी, तो वो बता रहे कोई कंप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है। और मुझे समझ में नहीं आया कि जब उन्होंने कंप्लेन किया तो यहाँ कंप्लेन क्यों नहीं आया जी जी, और कोई मिस्त्री भी नहीं, कोई कुछ नहीं आया अभी जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग परेशान हो रहे हैं जी। तो फिर मैं बाहर निकल के यहाँ के लोकल मैकेनिक को मैंने बोला कि भाई आकर एक बार देखो, हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं बाहर के हैं, हम लोग यहाँ के नहीं है, आप आकर थोड़ा देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी में। बिल्कुल, वो चल नहीं रही है। वो जब चेक कर रहे हैं तो उनको पता चला कि ये गाड़ी तो वहाँ से मोबाइल से जो GPS सिस्टम है वहाँ से लॉक किया गया है। अच्छा, किया है तो यहाँ से कितना मतलब ट्रेवल एजेंसी के द्वारा इस गाड़ी को बंद कर दिया गया है? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने उनको गाड़ी को चालू की और अभी गाड़ी हमारी बिल्कुल चालू है। तो जो टूर एंड ट्रेवल से उसका क्या नाम है, क्या नाम है उनका?
राइज टूर एंड ट्रेवल है मुहाना मंडी जयपुर में। क्या कहना चाहते हैं उस टूर एंड ट्रेवल के लिए, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि और लोगों को जाना चाहिए उस टूर से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वो बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों के साथ, ये एक तरह का फ्रॉड है, स्कैम कहेंगे हम इसे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ये किसी फ्रॉड या स्कैम से कम नहीं। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, और फिर हमारी गाड़ी 4 घंटे से यहाँ बीच रास्ते में, आधे रास्ते में बंद है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं इस वजह से। ठीक है, तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ इस तरह के टूर ट्रैवल, ये जो है राइज टूर एंड ट्रैवल, इनसे आप कभी भी संपर्क ना करें। आप देख सकते हैं हमारी बात हुई अभी टूर से, उन्होंने बताया कि टूर ने बिल्कुल गलत तरीके से उनके साथ पेश आए हैं और उनको परेशान कर दिया है, पैसा 50% से ज़्यादा ले लिया, उसके बाद भी उनका कहना है कि पेमेंट पूरा दीजिए, उसके बाद ही गाड़ी चल गई। राइज टूर एंड ट्रेवल जो मुहाना मंडी पर स्थित है, आप देख सकते हैं एक टूर यहां पर ट्रेवल करके माउंट आबू से वापस लौट रहा था, तो वहां से जो टूर एंड ट्रेवल कंपनी है उसने गाड़ी को यहां से लॉक कर दिया और पूरी जो टूर है यहां पर परेशान हो रहा है, जो पूरा टूर है वो यहाँ पर परेशान हो रहा है। 4 घंटे से गाड़ी बंद पड़ी है मेन हाईवे के ऊपर, आप देख सकते हैं ये पाली का मेन हाईवे है जो जयपुर से 350 किलोमीटर दूर है। अभी भी मुहाना मंडी राइज टूर एंड ट्रेवल की गाड़ी बताई जा रही है जो कस्टमर के साथ बिल्कुल मिसबिहेव वाला तरीके से काम करा इन्होंने। ये गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं, और कस्टमर से बिल्कुल बदतमीजी से बात कर रहा है कि गाड़ी आगे नहीं सरकेगी कहीं से भी, जबकि कस्टमर से 50% से ज़्यादा पैसा इन्होंने ले चुके हैं जयपुर पहुंचने से पहले। 50% से ज़्यादा पैसा इन्होंने जयपुर पहुंचने से पहले ले लिया है, उसके बाद भी गाड़ी यहाँ से नहीं सरक रही है, आप देख सकते हैं। वो पूरा टूर यहाँ पर खड़ा है, ये ड्राइवर है इस गाड़ी के। कैसे बंद हुई गाड़ी, कैसे बंद हुई गाड़ी है? कैसे बंद है चेक कर लिया। आप ड्राइवर है ना यहाँ पर? आपने मिस्त्री बुलाया अभी? क्या बोला मिस्त्री? अभी जो मिस्त्री बुलाया वो क्या बोला? वो तो रखता आगे से बंद कर रही है। कहाँ से? इतना बड़ा थोड़ी इंजन है। मिस्त्री ने क्या बताया आपको? मिस्त्री ने क्या बताया आपको? मिस्त्री ने क्या बताया? मिस्त्री ने कहा आगे से सिस्टम बंद कर। आगे से कहाँ से? टूर एंड ट्रेवल से। अबे पता नहीं टूर से कर। आगे कहाँ से? अमेरिका से कराए कि कहीं से? ये टूर एंड ट्रेवल से कराए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? कौन सा टूर है ये? टूर कौन सा है ये? टूर का नाम क्या है? कौन सा ट्रेवल एजेंसी है? एजेंसी का क्या नाम है? ये देखो आप ड्राइवर से जब बात कर रहे हैं हम, यहाँ पब्लिक सारी खड़ी है, ड्राइवर से जब बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं मुझे टूर एंड ट्रेवल का नाम भी नहीं मालूम है, कि माउंट आबू से बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाकर 4 दिन से ये 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं और इनको टूर एंड ट्रेवल का नाम नहीं मालूम है। इस तरीके का कस्टमर के साथ गलत व्यवहार क्या सही है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। और ऐसे टूर एंड ट्रेवल पर क्या कार्रवाई की जाती है? क्या ये और लोगों को इसी तरीके से परेशान करते हैं हर बार? ये देख सकते हैं आप इनकी गाड़ी, 4 घंटे से गाड़ी यहाँ खड़ी है इस गर्मी के अंदर, जबकि टूर ने जो टूर करके गए थे ये लोग, इन्होंने 33,000 रुपये में टूर को किया है और 22-23,000 रुपये ये टूर जयपुर पहुंचने से पहले इनको दे चुके हैं, उसके बावजूद टूर एंड ट्रेवल इनके साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है। ये देखिए आप, राइज टूर एंड ट्रेवल मुहाना मंडी, इनका कहना है कि जब मालिक से बात करी गई तो मालिक बदतमीजी से बात करता है, बोलता है कि गाड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी, आगे नहीं जाएगी, पूरा पैसा अभी के अभी इनको दो। तो इस तरीके से पूरा पैसा कैसे दिया जाता है, ये देखने वाली बात है कि आज तक ऐसा कभी होता है क्या कि टूर कंप्लीट हुआ नहीं उससे पहले ही कि पैसा इनको पूरा पहुँचा दो। राइज टूर एंड ट्रेवल की दादागिरी कस्टमरों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।